दूसरा अंतर, दूसरा जो है वो आप लिखेंगे मैग्निफिकेशन का, मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले हुआ करते थे, एक होता था m = -v / u, तो याद रखिएगा यहाँ पर -v / u ना होगा, सिर्फ v / u होगा, मैग्निफिकेशन m = सिर्फ v / u। सेकंड पार्ट दूसरा होता था मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला h2 / h1, वो सेम रहने वाला है, तो केवल ये फॉर्मूला है जो सेम है, बाकी दोनों फॉर्मूलों में साइन चेंज हो गए। कैसे? यहाँ पर 1/v + 1/u = 1/f था, तो यहाँ आ गया -1/u, बस बीच का साइन चेंज हो गया, और इधर था m = -v / u, तो ये सिंपली v / u हो गया, तो इसका भी साइन चेंज हुआ। ये लेंस फॉर्मूला है। अब इसके बाद नोट करके आप ये लिखेंगे, और कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स लेंस और मिरर एफ इज ऑलवेज और कॉन्वेक्स लेंस और मिरर एफ इज ऑलवेज पॉजिटिव, याद रखना कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, हमेशा जो फोकल लेंथ है वो हमेशा हमारा पॉजिटिव होगा, पहली चीज। दूसरा, फॉर कॉनकेव लेंस और मिरर, कॉनकेव लेंस आए या मिरर आए, जो फोकल लेंथ है दैट इज ऑलवेज नेगेटिव। F is always positive and F is always negative. तो positive कब किस केस में होगा? Convex के केस में, और negative किस केस में होगा? Concave के केस में। इसके बाद एक क्वेश्चन नोट करेंगे, द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर is based at a distance of 12 cm from a wall is placed at a distance of 12 cm from a wall. Full stop. How far from the lens should an object be placed so as to fall? It's a real image on the wall, so as to form its real image on the wall.
ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया और ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया। अब कॉन्वेक्स लेंस में ये बोल रहे हैं अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दे रखी है। कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों के केस में फोकल लेंथ को हमेशा हमेशा पॉजिटिव लेना होता है। पॉजिटिव का मतलब कहाँ पर होगा, राइट साइड में, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, हम यहाँ पर दिखाएंगे फोकल लेंथ एफ, क्योंकि हमेशा हमको इस साइड में देना, और ये फोकल लेंथ कितना दे रखा है इसका, फोकल लेंथ तो 10 सेंटीमीटर हो गई। दूसरा ये बोल रहे हैं कि हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, लेंस से कितनी दूर पर ऑब्जेक्ट को रखें। तो ऑब्जेक्ट को हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है। मान लीजिए ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख दिया ए बी, ठीक है, तो यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस है, इसी को तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोल देते हैं यू, ये हो गया। उसके बाद वो बोल रहे हैं हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, सो एज टू फॉर्म इट्स रियल इमेज ऑन द वॉल, ताकि उसकी रियल इमेज वॉल पर बन जाए। वॉल पर बनने वाली इमेज, वॉल क्या है, एक स्क्रीन ही तो है, स्क्रीन पर बनने वाली जो भी इमेज होती है वो रियल इमेज होती है। और कॉन्वेक्स लेंस के केस में जो रियल इमेज है वो कहाँ पर बनेगी, वो हमेशा राइट साइड में बनेगी। जो वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज बनती है वो लेफ्ट साइड में बनती है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो वॉल दे रखी है ना यहाँ पर, मैं इस वॉल पर ही इमेज बनाना चाहता हूँ, तो वॉल तक का जो डिस्टेंस है वही मेरे लिए इमेज डिस्टेंस हो गया। समझ गए, वॉल तक का जो डिस्टेंस हो गया वही हमारे लिए इमेज डिस्टेंस हो गया। क्यों, क्योंकि हम चाहते हैं कि इमेज ही वॉल पर बन जाए। समझ गए, तो वो हमारे लिए इमेज डिस्टेंस हो गया। इमेज डिस्टेंस क्या होता है अभी, तो भाई ऑप्टिकल सेंटर से और यहाँ तक वाला जो डिस्टेंस है, वॉल का डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर दे रखा है, तो यही मेरे लिए भी हो गया। बस ये चीज़ समझनी थी, इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पर डायग्राम बनाया, नहीं तो डायग्राम की कोई ज़रूरत थी नहीं। बताइए क्लियर है, क्लियर है। तो अब जरा देखिएगा, ये बोल रहा है हाउ फार फ्रॉम द लेंस, यानी कि सिर्फ दोबारा बता देता हूँ, हाँ यहाँ पर ये है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पर रखा जाए कि जो हमारी इमेज है वो वॉल पर बन जाए। और वॉल कहाँ पर ली है, उन्होंने बोला है कि वॉल पर हमको इमेज बनानी है। अब वॉल पर, अब आप ये कहेंगे वॉल को यहीं पर क्यों लगाया, वॉल को यहाँ लगा देते इस साइड। तो मैं ये बता रहा हूँ कि वॉल को इस साइड इस वजह से हमने लगाया है क्योंकि वो कह रहे हैं कि आपको इमेज वॉल पर बनवानी है। एनी इमेज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। रियल इमेज की डेफिनेशन ही यही होती है, इमेज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज, ठीक है। तो जो इमेज भी वॉल पर बनती है उसी को हम बोल देते हैं रियल इमेज है। तो इसका मतलब रियल इमेज बनेगी कहाँ, कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो, रियल इमेज लेंस के केस में रियल इमेज राइट साइड में ही बनती है, ठीक है, रियल इमेज राइट साइड में ही बनती है। तो इस वजह से मैंने वॉल जो है यहीं पर बनाई राइट साइड में, ये मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अब वॉल तक का जो डिस्टेंस है वही मेरा इमेज वाला डिस्टेंस है, क्योंकि मैं चाहता हूँ इमेज वॉल पर ही बन जाए, ठीक है। बताइए जी, समझ गए, यस सर, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा यहाँ पर यू मुझे नहीं पता क्या है, वी है हमारा 12 सेंटीमीटर और एफ क्या होगा, लिखना प्लस का 10 सेंटीमीटर, ये जरूर लिखना प्लस 10 सेंटीमीटर, ब्रैकेट में लिखना सेंस इट इज कॉन्वेक्स लेंस। सेंस इट इज कॉन्वेक्स लेंस by using lens formula, by using lens formula 1 upon b minus 1 upon u is equal to 1 upon f, so 1 upon 12 minus 1 upon u is equal to 1 upon 10 minus 1 upon u is equal to 1 upon 10 minus 1 upon 12. What? समझ गए कि नहीं, क्लियर है भाई, 1 upon v minus 1 upon u, क्योंकि लेंस है तो लेंस फॉर्मूला यूज करूंगा, मिरर होता तो 1 upon v plus 1 upon u यूज करते। तो 10 और 12 को एलसीएम कितना हो गया, 60, 10 6 का 60, 6 1 का 6, 12 5 का 60, 5 1 का 5, माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन 60, रेसिप्रोकल ले लेंगे, यू कितना हो गया माइनस 60 सेंटीमीटर,
समझ गए कि नहीं? ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर सारी चीजें क्लियर क्लियर दे रखी हैं, कोई ये नहीं कि वॉल है कहाँ पर, वॉल पर इमेज बनानी है, वो कुछ नहीं, तो ऐसा कुछ डायग्राम बनाने की यहाँ जरूरत नहीं है। आप ये देखें, यहाँ पर दे रखा है एक ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट, एक ऑब्जेक्ट दे रखा है जिसकी हाइट है 7 सेंटीमीटर। वो ऑब्जेक्ट की हाइट क्या हो गई? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट H1 लेते हैं और ऑब्जेक्ट को तो हमेशा सीधा ही रखते हैं, तो H1 कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। सीधा ही लेते हैं तो प्लस का 7 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद देखिएगा, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स लेंस से 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा जाता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में लिया जाता है। ठीक है, तो u इज इक्वल टू -12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर। तो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर लिखना, सिंस इट इज कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है इसलिए फोकल लेंथ इसकी पॉजिटिव 8 होगी, प्लस 8 होगी। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ द इमेज। पोजीशन, नेचर और हाइट बतानी है आपको इमेज की। ठीक है, तो क्या करेंगे, बाय यूजिंग लेंस फार्मूला (1/V - 1/U) = (1/V - 1/U) = (1/F). (1/V = 1/8)
माइनस वन अपॉइंट ट्वेल्व और वी डॉट ट्वेल्व का एलसीएम तो हाँ माइनस एट और ट्वेल्व का एलसीएम कितना हो गया 34 एट थ्री जा 24 थ्री वन जा 3 ट्वेल्व टू जा 24 टू वन जा 2 24 तो ये तो हमारी आ गई पोजीशन ऑफ इमेज 24 सेंटीमीटर तो 24 सेंटीमीटर का मतलब क्या है प्लस का 24 है रियल और इन्वर्टेड है तो हम ये कहेंगे सिंस बी इज इक्वल टू प्लस 24 सेंटीमीटर दैट इज इमेज इज फॉर्म्ड onto the right side of the lens that is image is formed onto the right side of the lens so image formed is रियल एंड इन्वर्टेड ठीक है तो राइट साइड में बनने वाली जितनी भी इमेज बनती है वो सारी की सारी रियल और इन्वर्टेड ही बनती है अच्छा उसके बाद ये क्या पूछ रहे हैं कि अब आप बताइए हाइट ऑफ द इमेज 14 चलिए तो हाइट ऑफ इमेज के लिए क्या करेंगे मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला मैग्नीफिकेशन के दो फार्मूले होते हैं एक होता है H2 अपॉन H1 और एक होता है माइनस वी अपॉन यू नहीं सिर्फ वी अपॉन यू लेंस में सिर्फ वी अपॉन यू नेगेटिव नहीं आता तो यहाँ से H2 मुझे नहीं पता निकालना है और H1 कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर तो H2 अपॉन 7 इज इक्वल टू V कितना है 24 और U कितना है U है माइनस का 12 तो 2 अपॉन माइनस 1 इसको इधर ले जाएंगे माइनस 14 सेंटीमीटर तो हाइट अगर नेगेटिव में आती है तो ये बिल्कुल क्लियर हमको पता चलता है यहाँ से कि हाइट नेगेटिव है इसका मतलब हमारा जो इमेज है वो उल्टी बनती है इन्वर्टेड बनती है ठीक है जी चलिए जी तो ये हुए दो क्वेश्चन इसके बाद अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 नोट करें द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाई अ स्फेरिकल लेंस The magnification produced by a spherical lens is plus 2.5. Okay, full stop. What is the A part में पूछ रहे हैं what is the nature of image B part में nature of lens what is the nature of image B part में है nature of lens तो इन्होंने क्या बोला है देखिए इसमें कोई कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्केव लेंस वो हमको बोला नहीं है वो बोल रहे हैं द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाई अ स्फेरिकल लेंस स्फेरिकल लेंस का मतलब क्या है एक ऐसा लेंस जो कि किसी स्फीयर में से काट कर निकाला गया है हमें पढ़ नहीं चाह रहे स्फेरिकल लेंस कॉन्वेक्स और कॉन्केव ये तो पढ़ रहे हैं तो वो पूछ रहे हैं कि आप नेचर ऑफ इमेज बताइए तो नेचर क्या होती है इमेज की या तो सीधी बनती है वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनती है और या फिर उल्टी बन जाती है रियल एंड इन्वर्टेड वही बताना है
वो मैग्निफिकेशन को देखकर कैसे बता पाएंगे? M is equal to होता है H2 upon H1. अब ये जो H1 है, ये जो H1 है, H1 क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हम हमेशा सीधा रखते हैं, ठीक है, रखेंगे तो लेफ्ट साइड में, लेकिन रखते तो सीधा ही है ना, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी क्योंकि उसको तो हम हमेशा सीधा रखते हैं. तो H1 ऑलवेज पॉजिटिव. अब मैग्निफिकेशन जो है ये दे रखा है पॉजिटिव, प्लस का 2.5 दे रखा है ना, तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव लाने के लिए हाइट ऑफ इमेज यानी कि H2 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव? बोलो, पॉजिटिव. भाई अगर मान लीजिए H1 नेगेटिव होता, अगर H1 नेगेटिव होता तो पॉजिटिव लाने के लिए H2 का भी नेगेटिव होना जरूरी था, क्योंकि नेगेटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव क्या बन जाता, पॉजिटिव. ठीक है, अब ये पॉजिटिव है, ओवरऑल मैग्निफिकेशन मेरे को प्लस चाहिए, ठीक है, तो इसका मतलब ये जो H2 है ये H2 भी प्लस होगा, तभी प्लस डिवाइडेड बाय प्लस रिजल्ट में हमारे पास प्लस आएगा. समझ गए? ठीक, तो ये हो गया पॉजिटिव. भैया ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव ही रिजल्ट मेरे को पॉजिटिव डिलीवर करेगा, नेगेटिव लेंगे तो नहीं होगा. इसका मतलब क्या है, ये जो H2 है, H2 क्या है, हाइट ऑफ इमेज. हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव, इसका मतलब वर्चुअल एंड डायरेक्ट सीधी बनेगी, सीधी बनेगी यानी कि वर्चुअल एंड डायरेक्ट. ठीक, तो अगर रियल एंड डायरेक्ट बनेगी तो उसकी मैग्निफिकेशन प्लस नहीं होगी, नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव. पता है क्यों? सर मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगी तो रियल एंड इनवर्टेड बनेगी, तो रियल एंड इनवर्टेड बनेगी. सही तो है? यस सर. अभी समझ गए? चलिए जी, तो अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर आप लिखेंगे फॉर मैग्निफिकेशन, और मैग्निफिकेशन टू बी पॉजिटिव हाइट ऑफ इमेज मस्ट बी पॉजिटिव. हाइट ऑफ इमेज मस्ट बी पॉजिटिव, जो हाइट है इमेज की, जो हाइट होगी वो पॉजिटिव ही होगी. मस्ट का मतलब क्या है, उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकती. देयरफॉर इमेज विल बी वर्चुअल एंड डायरेक्ट. इमेज विल बी वर्चुअल एंड डायरेक्ट. उसके बाद बी पूछ रहे नेचर ऑफ लेंस, बताओ भाई क्या होगा, क्यों? सर क्योंकि वर्चुअल इमेज इनलार्ज कर दी. कैसे सर? वर्चुअल इनलार्ज कर दी. इनलार्ज कैसे बन रही है? सर प्लस 2.5 मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा ना, मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा, कॉन्फिडेंस आ गया कुछ. ठीक है, मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा होगा तो इमेज क्या बनेगी, इनलार्ज बनेगी. ऐसी थोड़ी देर में मैंने उस दिन होशियार बोल दिया था, तो मैं अपनी ताकत का अंदाजा ही. चलिए जी, तो मैग्निफिकेशन जो है, मैग्निफिकेशन 2.5, अगर मैग्निफिकेशन 1 से ज़्यादा है तो इमेज क्या बनेगी, एनलार्ज बनेगी, और मैग्निफिकेशन 1 से कम है. सोचो अगर यही 0.5 होता तो 0.5 का मतलब क्या होता, 1 से छोटा है ना, तो मुझे उसका साइन से कोई मतलब नहीं है, वो आगे पॉजिटिव लिखा हुआ है मुझे उससे मतलब नहीं है. अगर मान लीजिए वो -1.5 होता, माइनस का 1.5, तो माइनस को हटा दो. -1.5 ऐसे सोचने से तो दिमाग में आता है अच्छा है तो 1 से छोटा है, नेगेटिव है ना, है ना, लेकिन वो चीज़ मत लेकर आना. वहाँ नेगेटिव साइन सिर्फ और सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इमेज जो है वो नेगेटिव है, इन्वर्टेड है. ठीक है, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे सिंस, अब जरा एक टर्म आपको बताता हूँ, सिंस मैग्निफिकेशन ये एम लिखा ना, एम के आगे एक लाइन ऐसे ड्रॉ करना और एक लाइन इससे पहले ड्रॉ करना, इसको बोलते हैं मॉड, इसको बोलते हैं मॉड. मॉड सुना है? मॉड, एम ओ डी, मॉड. मॉडुलस नहीं सुना तो आप सुन लो. आप देखें सिंस एम इज ग्रेटर देन वन, अरे लिखो तो सही है, नई चीज मतलब घबरा के सीखना ही नहीं है, मतलब हद है यार, थोड़ा बढ़ाओ अपना सर्कमफ्रेंस, बढ़ाओ क्या छोटे के छोटे ही, मतलब 300 रुपये किलोमीटर रेट पढ़े हुए हैं अभी, अभी भी 300 है शायद, कितना है मजे की बात यह है कि होना भी इसको गर्मियों में ही था भाई, सर्दियों में पड़ जाता है ना, मतलब गर्मियों में
उसने पूरे भाव अपने भाव दिखा रहा है पूछो और एमी रिलेटेड बन जाता है इसका मतलब क्या हो गया कि देखो इमेज इज एनलार्ज्ड हां जी अच्छा इमेज अगर एनलार्ज्ड तो वर्चुअल एंड इरेक्ट के साथ साथ एनलार्ज इमेज सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस के केस में ही आती है पहला वाला केस बाकी सारे जो पांच केसेस थे उनमें क्या होता था सारी की सारी रियल एंड इन्वर्टेड पहला केस जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाता था ऑप्टिकल सेंटर और एफ डैश के बीच में ओ और एफ डैश के बीच में तो इमेज इज एनलार्ज अब इस मॉड का मतलब समझिए भाई मॉड का मतलब ये होता है कि अगर मैंने मॉड एम लिख दिया मॉड एम का मतलब ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ मान लो अंतर माइनस का 2.5 भी लिखा हुआ है ना तो वो माइनस को भी पॉजिटिव बना देगा मॉड का मतलब सिर्फ उसकी वैल्यू उसका साइन नहीं सिर्फ उसकी वैल्यू मॉड का रिजल्ट हाँ मतलब मैग्नीफिकेशन का मॉड मैं ले रहा हूँ तो इसका मतलब मैं सिर्फ उसकी वैल्यू ले रहा हूँ मैं उसके साइन को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ वो 2.5 है 2.5 यानी कि वो वैल्यू किससे बड़ी है वो वन से बड़ी है वन से बड़ी है तो इमेज इज एनलार्ज्ड ठीक है वर्चुअल एंड एनलार्ज्ड वर्चुअल डायरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज virtual direct and enlarged virtual direct and enlarged image is obtained in the case of convex lens only सिर्फ convex lens के case में ही ऐसा होगा कि virtual direct के साथ साथ enlarged image मिल जाए online वाले बच्चे बता दें clear है ये वाला question yes sir ठीक है चलिए जी ठीक है जो आपने मोड बताया क्या ये मैं जो मीन मीडियम मोड वाला होता है वो वाला मोड नहीं नहीं ये तो है बेटा एम ओ डी मोड और जो मीन मीडियम मोड वाला है वो होता है एम ओ डी ई मोड मोड का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ उसकी वैल्यू और मोड का मतलब होता है वो वाली वैल्यू जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है फॉर एग्जाम्पल इस रूम में अगर सब लोग जो है मोड का जो सही मीनिंग होता है ना मोड का मतलब होता है फैशन मोड का मतलब फैशन होता है फैशन का मतलब ये है कि एक सर्वे करा गया उस सर्वे में ये देखा गया कि एक शहर में देखा कि 100 लोग रहते हैं ठीक है क्या हुआ एक शहर में 100 लोग रहते हैं तो ये देखा गया कि कितने लोग तो पजामा पहनते हैं कितने लोग निक्कर पहनते हैं कितने लोग जीन्स पहनते हैं और कितने लोग ट्राउज़र पहनते हैं ऐसे ही ठीक है तो ये देखा गया तो अब वहाँ पर ये देखा गया कि भाई सबसे ज़्यादा लोग जो हैं 100 में से 50 लोग जो हैं वो जीन्स पहनते हैं 20 लोग पजामा पहनते हैं 10 लोग निक्कर पहनते हैं 20-10-30 हो गया और बाकी के 20 जो हैं वो हो गए ट्राउज़र वाले तो उसमें हमने ये देखा कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब सबसे ज़्यादा लोग क्या पहनते हैं सबसे ज़्यादा लोग जीन्स पहन रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो उसकी मोड हो गई तो वो जो मोड है ना वो मोड आपको जब आप स्टैटिस्टिक्स में भी करेंगे ना तो मोड का कोई फार्मूला आपको लगाना ही नहीं पड़ेगा हालांकि एक फार्मूला भी आता है अजीब सा वो भी बताऊंगा लेकिन जब हम बात करते हैं अनग्रुप्ड डेटा की तो उसमें क्या कहा जाता है कि आप बस ये काउंट कर लीजिए कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है बस यही मोड है और कुछ नहीं करना होता उसमें तो बेटा ये मोड अलग है और ये मोड अलग है समझ गए फैशन ही तो है तभी तो 50 लोगों ने जीन्स पहनी है समझ रहे हो नहीं समझे अभी तक अभी भी नहीं समझे क्या समझ पानी देना यार मैंने बॉटल रखी थी इधर अच्छा वो बॉयज का डेटा लिया गया था बस और रणवीर सिंह था नहीं वहाँ पर करता ना उल्टे सीधे हरकते करता उल्टे सीधे कुछ कपड़े पहन के आ जाएगा कभी भी एक दिन आया उसका पेपर में फोटो आई और तब ये 2008 की या 9 की अपने 8 या 9 की बात है तब इसकी पहली मूवी आई थी न्यूज़पेपर होता है ना न्यूज़पेपर तो इसने अपने टेलर को बुलाकर और न्यूज़ कहा कि मेरा ना मेरी पैंट शर्ट बना दो न्यूज़पेपर से मतलब कपड़े की नहीं बनानी है कागज़ की बनानी है तो कागज़ की बनाकर फिर वो ऐसे फोटो खिंचा रहा उल्टी सीधी हरकतें करेगा बालों में चोटियां मना लेगा बारिश हो गई होती तो फिर कुछ बचता ही नहीं ये अच्छी बात आई लाइक इट ये सवाल जबरदस्त था
एक दिन लहंगा पहन कर फोटो खिंचा ली थी उसने, पता है कि नहीं मैं वैसी मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, उसकी वो डेली टाइम्स में फोटो आती है बेवकूफ की, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। हाँ अलाउद्दीन खिलजी भी तो बना था ना वो एक फिल्म में, वो जिसमें अलाउद्दीन खिलजी बनाता है, तो जब तक वो फिल्म चलती रही तब तक खुद को खिलजी ही समझता रहा, वो वैसी हरकतें करता रहा, गुलाब लेकर घूम रहा है हाथ में, है ना, उल्टी सीधी वो निशान से लगा रखे हैं कि नहीं मैं करेक्टर में उतरना चाह रहा हूँ, कुछ हिट फटा हुआ है कुछ थोड़ा। तो चलिए जी रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव लेंसेस। Rules for obtaining images formed by concave lenses. चलिए जी अब कॉन्केव लेंस का देखेंगे। कॉन्केव लेंस के जो रूल्स हैं वो भी बेहद आसान है। आप ये देखिएगा कि जैसे हमने वो तीन रूल्स देखे थे ना कॉन्वेक्स में, कॉन्वेक्स में पहला रूल क्या था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो क्या होगा, अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रही है तो क्या होगा, और अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से होकर गुजर रही है तो क्या होगा। यही तीन रूल यहाँ पर भी देखते हैं, थोड़ा सा अंतर है बस। रूल नंबर वन नोट करें, रूल नंबर वन, अ रे ऑफ लाइट व्हिच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव लेंस a ray of light which is parallel to the principal axis of a concave lens appears to be coming from its focus appears to be coming from its focus after refraction through the lens. क्या हो गया? After refraction through the lens. ray of light which is parallel to the principal axis. तो अब concave lens बनाना है ऐसे, यहाँ पर दिखाएंगे F और यहाँ पर दिखाएंगे 2F, क्योंकि लेफ्ट साइड में होता है इसका फोकस हमेशा नेगेटिव होता है, और ये हो गया F डैश, ये 2F डैश। एक रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो ये डाइवर्ज हो जाएगी, जैसे वो था वो कन्वर्जिंग लेंस था, ये डाइवर्जिंग लेंस है, तो डाइवर्ज हो जाएगी कुछ इस तरह से कि अगर इसको पीछे एक्सटेंड करने की कोशिश करें तो ये फोकस पर जाकर मिलेगी, तो ये फोकस पर जाकर मिलेगी, ठीक है। तो अ रे ऑफ लाइट विच इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, ऐसा लगता है कि वो फोकस से ऊपर आ रही है। रूल नंबर टू लिखिएगा, रूल नंबर टू, a ray of light passing through the optical center through the
ray of light passing through the optical center of a convex of a concave lens of a concave lens goes straight after passing through the lens. तो ऑप्टिकल सेंटर वाला तो रूल बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमारा कॉन्वेक्स लेंस में था. इसमें किसी तरीके का कोई डेविएशन होता ही नहीं है. टकराने के बाद बिल्कुल वैसे ही गुजर जाता है जैसे आया था, सीधा ही निकल जाता है. ऑप्टिकल सेंटर हो गया, एक रे ऑफ लाइट यहां पर टकराई तो बिल्कुल ऐसे ही सीधे सीधे निकल गया. रूल नंबर 3 और रे ऑफ लाइट, ये भी आप समझ गए होंगे कि जैसा रूल नंबर 1 है, रूल नंबर 1 का ही जस्ट अपोजिट होगा ये रूल नंबर 3. और रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स द फोकस ऑफ द कॉन्केव लेंस going towards the focus of a concave lens comma becomes parallel to its principal axis after reflection through the lens. अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस कॉनकेव लेंस के फोकस की तरफ जाती है ऐसे, तो वो इससे टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है. वो फोकस तक तो नहीं जा पाती, इसलिए डॉटेड लाइन दिखाया. मैं जो फोकस की तरफ अप्रोच कर रही है वो टकराती प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है. तो ये तीसरा रूल था, बस यही 3 रूल इसमें करने थे. और इसके बाद जब इसकी इमेज फॉर्मेशन के केसेस देखेंगे तो दो ही कर लेते हैं फटाफट. ठीक है, दो केसेस हैं, मैं करवा लूँगा फटाफट, 5 मिनट में हो जाएगा. ठीक है, आप देखें फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कॉन्केव लेंस. तो इसमें केस 1
the object is placed anywhere between optical center and infinity, between optical center and infinity, the optical center will be कहीं पर भी आप रखिए। सोचो कि मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया ऐसे ए और बी, तो तीन रूल हैं। एक रूल तो वही वाला लेंगे कि एक रे ऑफ लाइट तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, तो एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये ऐसे गई तो ये डाइवर्ज कुछ इस तरह से होगी, ऐसे लगेगा जैसे फोकस से होकर आ रही हो, ऐसे ये हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से गुजारी है तो ये ऐसे सीधे की सीधी निकलिए, तो दोनों रेज ऑफ लाइट कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर आप एक डॉटेड लाइन बना लो क्योंकि लेफ्ट साइड में ही इमेज बन रही है, लेंस के लेफ्ट साइड में बन रही है, तो ये कौन सी हो गई, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, हमेशा ओ और एफ के बीच में ही बनेगी, तो इमेज विल बी, इमेज फॉर्म विल बी वही उनके तीन जो प्रॉपर्टीज थी, पी एंड एस, पोजिशन नेचर साइज, वो फर्स्ट है कहाँ पर बनी, between O and F, image formed will be between O and F. Second, nature क्या होगा, क्योंकि left side में बन रही है, सीधी बन रही है, nature क्या होगा, virtual and erect. Third, size क्या होगा, छोटी बन रही है, object बड़ा है, image छोटी है, diminished. ठीक है जी, ये तो केस फर्स्ट हुआ, अभी केस सेकंड देखेंगे। तो ऑब्जेक्ट में हम बिटवीन ओ और एफ, बिटवीन एफ एंड टू एफ केस क्यों लेते हैं, क्योंकि उसमें आप कहीं पर भी लेकर देखो आपका जो इमेज है, इमेज ओ और एफ के बीच में बनेगी, हर केस में सेम तरीके की इमेज बनेगी, ठीक है ना, तो कहीं पर भी ये क्या हुआ कि ये हर जगह लेकर देखा गया था, हर एक अलग अलग पॉइंट पर रखकर देखा गया था, तो जितने पॉइंट्स पर रखकर देखा, इमेज एक ही जगह बन रही है और छोटे ही साइज की बन रही है, ओ और एफ के बीच में बन रही है, तो इस वजह से हमने कहा कि सारे अलग अलग केसेस करने की कोई जरूरत नहीं, एक केस करो इसमें बस, ठीक है। केस सेकंड, व्हेन द, समझ गए जो पूछ रहे थे आदित्य, यस सर, ठीक है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, एक तो केस ये था कि ऑब्जेक्ट को आपने ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी रख दिया, तो आपकी इमेज जो है वो ऑप्टिकल सेंटर ओ और एफ के बीच में बनेगी, और दूसरा केस ये कि आपने अब ऑब्जेक्ट को उठाकर सीधा इन्फिनिटी पर ही रख दिया, क्योंकि इंफिनिटी पर है, तो हमने रेज ऑफ लाइट यहां से पैरेलल लेकर आया लेफ्ट साइड से, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ठीक है, तो पहली रे ऑफ लाइट इस तरह से डाइवर्ज हुई, ऐसा लगता है कि जैसे फोकस से होकर आई हो, दूसरी रे ऑफ लाइट भी इस तरह से डाइवर्ज हुई कि ऐसा लगता है जैसे फोकस से होकर आई हो, तो दोनों फोकस पर मिल रही है, तो इमेज कहां पर बनी, फोकस पर बनी, तो इमेज फॉर्मड विल बी
इमेज फॉर्म विल बी फर्स्ट पार्ट है एट फोकस, सेकंड क्योंकि लेफ्ट साइड में मिल रही है तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट, और थर्ड उसका साइज क्या होगा, बिल्कुल छोटी तो हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज्ड, ठीक है। इतना करिए और बाकी मंडे के लिए तैयार रहिए, मंडे को आपका टेस्ट है शाम को 4 बजे, ठीक है। और बताइए उसका, ओके ओके।